नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि हनुमान जी और महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। साथियों, यूं तो महाराज जी स्वयं हनुमान सिद्ध हैं। हनुमान जी की समस्त 8 सिद्धियां बाबा महाराज जी में विद्यमान हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, ऐसी घटनाएं हैं जब महाराज जी उन सिद्धियों के फलस्वरूप अद्भुत लीलाएं कर बैठते। कुछ लीलाएं भक्तों के कल्याण के लिए होती तो कुछ लीलाएं भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें हनुमत स्वरूप दर्शन देने के लिए होती। इसी प्रकार एक विचित्र लीला इलाहाबाद के चजलेन में घटी। साथियों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सकें। तो आइए बिना देरी करें शुरू करते हैं। एक बार महाराज जी इलाहाबाद के चर्च लेन मोहल्ले में एक भक्त के घर रुके थे। उस समय बाबा के साथ श्रीमा और अनेक भक्तगण थे। उन्हीं में एक भक्त वकील साहब बाबा के समक्ष कभी कभार गुनगुनाया करते थे, मस्क समान रूप कपि धरी। क्या पता वकील साहब बाबा की परीक्षा लेना चाहते थे या वह महाराज जी के हनुमत स्वरूप के दर्शन करना चाहते थे। वहाँ ठहरे हुए महाराज जी को कुछ दिन हो गए। तब एक दिन प्रातः प्रसाद वितरण के बाद बाबा अपने कमरे से एक छोटे कमरे में चले गए। वहाँ पर महाराज जी ने भक्तों को कहकर जमीन पर अपना बिछौना लगवाया और कहा कि हमारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए हम आराम करेंगे। और साथ ही महाराज जी ने यह निर्देश भी दिया कि कोई उनसे मिलने ना आए, इसलिए कमरे में बाहर से ताला लगवा दिया जाए। क्योंकि वहाँ पर वकील साहब वरिष्ठ थे तो महाराज जी के कमरे में जाने पर ताला लगाकर उसकी चाबी वकील साहब के पास थी। महाराज जी को विश्राम करते हुए दोपहर का समय हो गया था। उस दिन सुबह से श्रीमा कहीं बाहर गई थी। वापसी में संयोगवश श्रीमा की निगाह महाराज जी पर पड़ी जब उन्होंने बाबा को एकनगंज की तरफ जाते देखा। भक्त के यहाँ लौटकर माँ ने यह जानकारी सबको दी। उसी समय वकील साहब जिन्होंने महाराज जी के कमरे के बाहर ताला लगाया था, उन्होंने ताला खोलकर देखा तो बाबा वहाँ पर नहीं थे। वकील साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उस छोटे से कमरे में न कोई खिड़की थी और जो द्वार था वह तो ताला बंद था। श्रीमा के बताए अनुसार वकील साहब ने जाकर बाबा का पीछा करना शुरू किया। एकनगंज में एक भक्त से दूसरे भक्त के घर महाराज जी को तलाशते रहे और कुछ समय बाद वह रवि प्रकाश पांडे के बहनोई श्री प्रकाश चंद्र जोशी के घर महाराज जी को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पाए गए। जोशी जी ने बाहर निकलकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात वकील साहब ने यह जानकारी अन्य लोगों को भी भिजवा दी कि महाराज जी जोशी जी के यहाँ पर हैं, और यह खबर सुनकर अन्य भक्तगण भी वहाँ पर आ गए। बाबा तख्त पर विराजमान थे और मुस्कुरा रहे थे, और वकील साहब का मन इसी उधेड़बुन में लगा था कि ऐसा कैसे हुआ, बाबा को जब कमरे में बंद किया था तो महाराज जी यहाँ इन भक्त के यहाँ कैसे। इसी मनस्थिति की पशोपेश में वकील साहब हाथ जोड़े महाराज जी के पास खड़े थे और एकाएक बाबा वकील साहब की ओर देखकर गुनगुनाने लगे, मस्क समान रूप कपि धरी। जो ही बाबा ने यह कहा सभी भक्तगण ठहाका लगाकर हंस पड़े और वकील साहब झेप गए। वकील साहब को महाराज जी ने इस लीला के द्वारा यह ज्ञात करा दिया था कि वह क्या महाराज जी की परीक्षा लेंगे। महाराज जी स्वयं हनुमत स्वरूप हैं और अपनी लीलाएं प्रकृति निमित्त होकर करते हैं। वकील साहब ने भाव विभोर होकर महाराज जी के चरण पकड़ लिए। ऐसे हैं परम पूज्य दयालु बाबा महाराज। भक्त की मनस्थिति और भक्त के मन में उठते सवालों के जवाब के लिए महाराज जी अपनी हनुमत सिद्धियों का भी प्रयोग किया करते थे। महाराज जी अपने भक्तों को छोटी छोटी बातों के लिए भी कष्ट नहीं होने देते थे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थों का सेवा करते रहिए। जय सिया राम।